Hello everyone, this is Ashijan. This is a continuation video on agriculture income. In this video, we will do some practical questions on agriculture income. देखिए इसको बहुत इजी है लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लैरिटी और अच्छे से होगी. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कोई एसएससी है, उसकी नॉर्मल पीजीबीपी इनकम, नॉर्मल पीजीबी इनकम से ₹6 लाख है, ठीक है. एंड एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 20 लाख. तो देखिए वैसे इसकी टोटल इनकम कितनी है 26 लाख, ठीक है. अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अगर कोई भी, मान लीजिए ये एवरेज इनकम कौन सी है? रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है. तो अगर कोई रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है, और उससे इनकम कितनी आ रही है? 20 लाख. तो उसकी टोटल इनकम एसएससी कितनी है? 26 लाख. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि ये इनकम जो टोटली एग्जेम्प्ट होती है, तो एज पर दी सेक्शन 10(1) दिस इनकम विल बी टोटली एग्जेम्प्ट, विच मीन्स द एसएससी शुड पे टैक्स ऑन 6 लाख ओनली, ठीक है. लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपको स्लैब रेट अच्छे से पढ़ा हो तो स्लैब रेट क्या था? स्लैब रेट हमने क्या पढ़ा था सर? अगर इनकम मान लीजिए 0 to 2.5 है तो टैक्स नहीं लगता, ठीक है. 2.5 to 5 लाख है तो सर 5 लाख टैक्स बन जाता है. और अगर 5 लाख to 10 लाख होता है, इन बिटवीन इनकम लाइक कर रही है, तो 20% टैक्स लग जाता है. सॉरी, 5%, 20%. एंड अगर इनकम अबव 10 लाख होती है तो उस पर टैक्स कितना चार्ज होता है? 30%, ठीक है. एंड आई होप यू नो वेरी वेल द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी कितनी होती है देखिए. अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यही तो होती है. ये 2.5 किसके लिए? नॉर्मल पीपल के लिए. 3 लाख किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए. 5 लाख किसके लिए? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है. ये किसके लिए होती है? सीनियर सिटीजन के लिए. एंड ये किसके लिए होती है? 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होती है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्लैब रेट. अब आप देखिए इस एसएससी की इनकम कितनी है? 26 लेके हैं. अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती तो वो कौन सी इनकम में फॉल करता सर? वो ना यहाँ पर फॉल करता. तो कायदे से उसको टैक्स तो 30% देना चाहिए सर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है ना, तो वो इस पर टैक्स क्यों देगा? जी हाँ, लेकिन हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसकी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल कर रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं? हम क्या करते हैं देखिए, इस इनकम को यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर करते हैं. दिस इनकम बेसिकली जज द इनकम लेवल, कंसीडर दिस इनकम टू जज इनकम लेवल. देखिए वैसे तो देखा क्या ये, आप बोलोगे क्योंकि जो इनकम, जिसकी इनकम 26 लाख आ रही है, क्या वो गरीब होगा? नहीं, वो तो अच्छा खासा है. देखिए गवर्नमेंट ने ये स्लैब रेट बना ही क्यों रखा है?
कि भी जिसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो टैक्स ज़्यादा देगा। दैट मीन्स आर इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली बिलीव ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मोर इनकम विल पे मोर टैक्स। ठीक है, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस एस पर्टिकुलर एसएससी की इनकम लेवल क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट ने या फिर लॉ में करने इसका एक प्रोविजन बना रखा है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके हम टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल्दो द एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली टैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट बट वी नीड टू कंसिडर द एग्रीकल्चर इनकम टू जज इनकम लेवल। क्योंकि देखिए आप देख सकते हो कि ये इसकी इनकम जो है 26 लाख आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स ही मस्ट पे हायर टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रखे हैं जिसके हेल्प से हम जो यहाँ पर निकालेंगे इस एसएससी की एक्चुअली में टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, तो देखिए आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। स्टेप्स फॉरवर्ड कंप्यूट टैक्स ऑन फर्स्ट स्टेप एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसको ऐड कर दो एंड देन वी विल कंप्यूट टैक्स ऑन दिस एंड वी विल राइट अमाउंट हेयर। पहले क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करेंगे, उस पर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे और फिर अमाउंट यहाँ ले देंगे। देन सेकेंड स्टेप वुड बी एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों को ऐड करेंगे एंड देन वी विल कंप्यूट टैक्स एज पर स्लैबेड एंड देन वी विल राइट अमाउंट। बट मेक श्योर जो भी हम यहाँ पर टैक्स क्लियर करेंगे वो आएंगे विदाउट सेस। ठीक है, विदाउट सेस। देन थर्ड स्टेप वुड बी स्टेप वन माइनस स्टेप टू, यहां पर लिखेंगे एंड देन एट लास्ट वी विल ऐड 4% हायर एंड एजुकेशन सेस अमाउंट ले देंगे एंड जस्ट। अब आपका क्या रहेगा, टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज द वे ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी व्हेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनकम, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, मैं फिर से एक बार स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो एंड देन कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस इनकम एज पर स्लैब रेट। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी कितनी हो गई, इधर 2.5, इधर 3 लाख, इधर 5 लाख, दोनों का ऐड करेंगे देन वी विल कंप्यूट टैक्स एज पर स्लैब रेट अगेन। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, जो भी माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा देन जस्ट ऐड 4% हायर एजुकेशन ऑन दैट अमाउंट एंड देन वी विल गेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए हमने जो एग्जांपल लिया था दैट इज दिस 26 लाख वाला, इसी को हम कर दें, देखिए सॉल्व कर दें। देखिए तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, टोटल 26 लाख। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा, टैक्स ऑन
26 लाख, सॉरी पहले आपने यहाँ पर पूरा लिखी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और फिर यहां लिखिए टैक्स ऑन 26 लाख एज पर स्लैब रेट देखेंगे। ठीक है, तो कितनी इनकम आएगी आपको अच्छे से पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वुड बी 5,92,500, 5,92,500। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, मान लीजिए इस एसएससी की इनकम जो है एज जो है वो बिलो 60 इयर्स है, तो क्या निकालेंगे, देखिए टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, देखिए 20 लाख प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। ठीक है, अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे विच वुड बी 4,87,500, 4,87,500। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, दोनों को फर्स्ट स्टेप आने, थर्ड स्टेप तो ये क्या रहेगा, बेसिक टैक्स दैट वुड बी 1,05,000, एंड लास्ट वी विल ऐड 4% हायर एजुकेशन एनसेस दैट वुड बी 4,200, एंड देन वी विल गेट फाइनल टैक्स लायबिलिटी 1,09,200। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर आप सो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, देखिए उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, 6 लाख थी। वैसे तो कायदे से टैक्स जो है वो 6 लाख पे आना चाहिए था, तो अगर आप 6 लाख पे टैक्स निकालोगे एज पर स्लैब रेट तो ये इनकम यही आएगी, बेसिक टैक्स यही आएगा। देखिए 6 लाख का बेसिक टैक्स यही आएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमेशा आपका आंसर यही सेम ही आएगा। ठीक है, कई बार कहते हैं इनकम जो है दो स्लैब रेट में जो फॉल करती है, मान लीजिए 5% में भी कर रही हो, 10% में भी कर रही हो, या फिर 20% या फिर 10% या 30% 20%। ठीक है, या 3-4 में फॉल कर रही हो, तो अब तब अमाउंट डिफरेंस नहीं आता, सॉरी सेम नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक ही स्लैब रेट में फॉल कर रहा था, इसलिए वो अमाउंट सेम आए। चलिए नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, नॉर्मल पीजीबी इनकम सपोज 8,50,000, एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, टैक्स ऑन कितना करेंगे, 10,50,000, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो देखिए इस पर टैक्स करोगे स्लैब रेट पे क्या आएगा, 1,27,500। नाउ सेकंड स्टेप देखिए क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक टैक्स लायबिलिटी, सो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई है, 2 लाख प्लस 2.5 लाख। यहाँ पर मैं अगेन एग्जाम कर रहा हूँ कि जैसे कि एज जो है वो बिलो 60 ईयर्स है, तो देखिए उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी एज पर स्लैब रेट, दैट इज 10,000। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, सो बेसिक टैक्स कितना आएगा, 1,17,500। नाउ वी विल ऐड 4% हायर एंड एजुकेशन सेस 4,700। सो फाइनल आंसर वुड बी 1,09,500।
22,200 टैक्स लायबिलिटी। So we have done till two examples. I hope you have understood very well. Now let's take another example. Suppose EGBP income 7 lakh, income from salary that is 3 lakh. Agriculture income that is 5 lakh. Total income kitni hogi? 15 lakh. ठीक है, तो देखिए ये दोनों इनकम क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और ये क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दैट इज टैक्स ऑन 15 लाख एज पर स्लैब रेट, एज पर स्लैब रेट दैट इज 2,62,500। इन सेकेंड स्टेप टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 5 लाख एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, दैट इज समेशन ऑफ टोटल का कितना आएगा 7,50,000। सो एज पर स्लैब रेट देखिए कितनी आएगी टैक्स लायबिलिटी 62,500। सो देखिए बेसिक टैक्स कितना आ गया, That is 2 lakh। बस इसमें आप क्या करेंगे 4% हायर एजुकेशन एंड सेस 8,000, 2,08,000 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए आपको अच्छे से पता है कि आपने एक सेक्शन पढ़ा है दैट इज 87A, किससे रिलेट करता है, रिबेट से। ठीक है, ये रिबेट कब एप्लीकेबल होती है, व्हेन टोटल टैक्सेबल इनकम is less than 5 lakh. I repeat, this rebate is applicable when the total taxable liability is less than 5 lakh. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज EGBP इनकम कितनी है, सपोज 4 lakh एंड एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 7 lakh. टोटल इनकम कितनी होगी 11 लाख। अब जरा से यहाँ पर रिबेट कैसे अप्लीकेबल होगा, पहले यहाँ फिर से एक बार ध्यान समझिए, यहाँ पर रिबेट का मतलब क्या है, कब अप्लीकेबल होगा, व्हेन द टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी इज लेस देन 5 लाख। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो वो एग्जेम्प्ट होती है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी, कौन सी है यहाँ पर PGBP इनकम विच इज लेस देन 5 लाख, तो यहाँ पर अब रिबेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए कैसे करना है। स्टेप हम वही फॉलो करेंगे, स्टेप्स में देखिए यहां पर कैसे होगा, फर्स्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दैट इज टैक्स ऑन 11 लाख, दैट वुड बी 1,42,500। सेकेंड स्टेप टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज 9,50,000, 7 लाख प्लस 2,50,000,
लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग करें कितना आएगा, 1,02,500। लेस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, बेसिक टैक्स 40,000, अब यहां पर हम ध्यान से देखिए, अब यहां पर पहले हम माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, मैक्सिमम कितनी मिलती है 12,500, तो वही लेस करेंगे, दैट इज 27,500। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4% सेल्स, इलेवन हंड्रेड, टोटल 28,600। नाउ दैट वुड बी टोटल टैक्स लायबिलिटी। दिस इज द वे ऑफ डीलिंग रिबेट। ठीक है, अब मैं आपको एक कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान समझिए। थ्योरी के लिए मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, द अबव मेथड विल बी अप्लाइड ओनली कब कब अप्लाई होगा, इफ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000। सो मतलब अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो ही आप ये फॉलो स्टेप्स फॉलो करोगे, जो भी हमने ऊपर स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तभी फॉलो करोगे अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 हो। मान लीजिए पीजीपी इनकम आपकी 10 लाख है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 4,000 है, तो आप 4,000 को वो तो उसको आप कुछ भी नहीं करोगे, उसको हटा दो, बस 10 लाख पे आप जो है टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे। ठीक है, यानी कि आप स्टेप फॉलो नहीं करोगे, आप उसको एक टोटल इग्नोर कर दोगे। तो यानी कि आप स्टेप तभी फॉलो करोगे इफ द एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000। नेक्स्ट, इफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑब्वियसली, देखिए अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लीजिए कितनी है, 2 लाख है, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी मान लीजिए 8 लाख है, तो जब आप स्टेप करोगे और रिबेट भी ले लोगे, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5 लाख से कम आ गई तो रिबेट मिलेगी, तो वैसे आपकी 0 आ जाएगी, तो स्टेप फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपकी इनकम वैसे ही 0 आनी है, तो स्टेप फॉलो करने की नीड ही नहीं है। सो अबव मेथड विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, सो क्लास दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीकल्चर इनकम। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ऑल्सो, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।